केरल के जिला आलापूजा के मन्नार क्षेत्र में कल कल बहती कुट्टेमपुरूर नदी की सुंदरता देखते ही बनती है। ये 12 किलोमीटर लंबी नदी दो नदियों अच्चन कोइल और पंपा नदी को जोड़ती है। नदियों को मानव जीवन की जीवन रेखा कहा जाता है। इनका उपयोग परिवहन के रूप में भी किया जाता है। कुट्टेमपुरूर नदी का निर्माण भी भूतकाल में यात्रा करने और मछली पालन एवं सिंचाई कार्यों के लिए मानव द्वारा किया गया था। इस नदी की विशेषता ये थी कि इसका प्रवाह दोनों दिशाओं में होता था। समय के साथ साथ इसका अस्तित्व खतरे में आ गया, जिसका कारण था प्रदूषण, लघु उद्योगों से निकलने वाले कचरे का नदी में समन्वयन और बड़ी मात्रा में कूड़े का नदी में आना। നമ്മുടെ ഈ കുട്ടമ്പേരൂർ ആറ് അച്ചൻകോവിൽ ആറിനെയും പമ്പയാറിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ നദിയാണിത്. ഏതാണ്ട് 600 വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിലൂടെ വലിയ വലിയ വള്ളങ്ങളും കേവ് വള്ളങ്ങൾ, കാരിയേഴ്സ്, മറ്റ് പഞ്ചസാര ഫാക്ടറിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഷുഗർ കെയിൻ വള്ളങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഇതിലൂടെ പൊക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കാലക്രമേണ എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റും മറ്റ് തടസ്സങ്ങളും ഒക്കെ കാരണം ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ പായലും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ മരങ്ങളും ഒക്കെ വന്നിട്ട് അഴുക്ക് വടിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അങ്ങ് അടഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ധീരെ ധീരെ മാനവ് കി ജീവൻ രേഖ കഹി ജാനെ വാലി സുന്ദർ കുട്ടേംപുരൂർ കി ദശ ഗംഭീർ ഹോ ഗൈ ഓർ ഇസ്കാ അസ്തിത്വ ഖത്രേ മേ പഡ് ഗയാ. ഇസ് കാരണ ക്ഷേത്ര മേ സൂഖേ കി സ്ഥിതി ഉത്പന്ന ഹോ ഗൈ, കൃഷി കേ ലിയേ സിഞ്ചായി കാ പാനി മിൽന ബന്ദ് ഹോ ഗയാ ഓർ ജല സ്തർ ഭീ ലഗാതാർ ഗിർനേ ലഗാ. इस नदी से आने जाने का मार्ग भी लगभग बंद हो गया था। बुद्धनूर पंचायत का ध्यान इस बीमार होती और अपना अस्तित्व खोती नदी की ओर गया। पंचायत के अध्यक्ष ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए पुनर्जीवन का प्रस्ताव रखा, ताकि इसे पुराने स्वरूप में लौटाया जा सके। सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया। आसपास की पंचायतों से भी इस कार्य में उनका सहयोग लेने के लिए सुझाव रखा गया। पंचायत ने इस महत्वपूर्ण कार्य को महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत करने का फैसला किया। बुनोर गांव पंचायत कमेटी डिसाइडेड टू रीजुवेनेट द रिवर। वी हैव इनिशिएटेड ए प्रोजेक्ट अंडर नरेगा स्कीम। वी कन्वीन्ड ए मीटिंग ऑफ द वर्कर्स ऑफ द नरेगा एंड डिस्कस्ड विद देम अबाउट द हरकुलियन टास्क। पंचायत के लोग इस प्रस्ताव को लेकर ग्रामवासियों के बीच पहुंचे। उन्हें मालूम था कि ग्रामवासियों के सहयोग के बिना ये काम संभव नहीं है। ग्रामवासियों से विचार विमर्श किया गया। उन सभी को इस कार्य में सहभागिता के लिए समझाया गया। उन्हें बताया गया कि ये काम 72 लाख रुपए की लागत से महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कराया जाएगा, जिससे उन्हें दोहरा लाभ मिलेगा। ग्रामवासियों से उनके सुझाव भी मांगे गए और इस तरह सभी की भागीदारी निश्चित की गई। और फिर पूरे उत्साह के साथ कुट्टेमपेरूर नदी की सफाई का काम शुरू हो गया। ग्रामवासियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस काम में प्रतिदिन लगभग 700 श्रमिकों ने अपना योगदान दिया। नदी में बड़ी मात्रा में उगाई खरपतवार को निकालना आसान काम नहीं था। श्रमिकों को इस कार्य में बहुत सी बाधाओं का सामना भी करना पड़ा। पानी के अंदर नदी में उतरकर काम करने में मगरमच्छ एवं अन्य जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बना रहता था। जलीय पौधों के बीच बड़ी मात्रा में जोंक पैदा हो गई थी, जो श्रमिकों के पैरों से चिपक कर उनका खून चूसकर उन्हें घायल कर देती थी। लेकिन कोई भी बाधा काम को रोक न सकी। काम हर हाल में जारी रहा। ग्रामवासियों का उद्देश्य केवल महात्मा गांधी नरेगा से पैसा कमाना नहीं था, बल्कि वो वास्तव में इस नदी को जीवित करना चाहते थे। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी और 60 दिनों मतलब 40,000 मानव दिवस के कठिन परिश्रम ने इस नदी में नई जान फूंक दी। കുട്ടമ്പേരൂർ ആറിൻ്റെ നവീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ അഭിമാനത്തോടുകൂടി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ സ്ത്രീകളാണ് ആ നവീകരണ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിട്ട് പോലും അവരതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പിന്മാറുവാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല.
धीरे धीरे क्षेत्र का जल स्तर ऊपर आने लगा। जो कुएं पहले सूख चुके थे, आज उनमें पानी आने लगा है। लोग अपने कुओं के पानी का उपयोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए कर रहे हैं। किसानों के लिए नदी का पुनर्जीवन किसी वरदान से कम नहीं। नदी से पानी खींचकर आसपास के लगभग 900 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल उगाई जा रही है। ये क्षेत्र पहले सूखे की चपेट में था, आज यहाँ चारों ओर फसल फिर से लहलहाने लगी है। ആയിരക്കണക്കോളം ഏക്കർ കൃഷിനിലമായിരുന്നു ഈ പാടശേഖരത്തുണ്ടായിരുന്നത്. വർഷങ്ങളായി കൃഷിനിലം കൃഷി ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു. ജലം എന്താ ഇതിനാവശ്യം, കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജലം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പാടശേഖരം കൃഷി ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുള്ളത്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ശ്രമപരമായ എന്താ ഫലമായിട്ട് കുട്ടമ്പേരൂരാറ് വൃത്തിയാക്കുകയും അതുവഴി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് തോടുൾപ്പെടെയുള്ളത് വൃത്തിയാക്കി ഇവിടെ ജലസേചനം എത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൃഷി ആരംഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗ്രാമവാസിയോ നെ സബ്സി കാ ഉത്പാദൻ ഭീ ഷുരു കർ ദിയ ഹെ. ये इनकी आय बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। मछुआरों के लिए तो जैसे उनकी जीविका उनके द्वार तक पहुंच गई है। आज कुट्टेम पेरूर नदी में मछलियां बहुतायत में पाई जाती हैं। लगभग 500 मछुआरों के परिवारों को इससे सीधा लाभ पहुंच रहा है। കുറേ കാലമായിട്ട് ഈ ആറെല്ലാം നശിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു. ചപ്പും പായലും എല്ലാം കയറി രണ്ട് സൈഡും പോച്ചയായിട്ട് അതിൽ മൊത്തം നശിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൂരദേശത്തൊക്കെ പോയായിരുന്നു മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു കൃപ കൊണ്ട് ഏതായാലും ഈ ആറെല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി തന്നു. അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗം ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. മറ്റേ ഞങ്ങൾ ദൂരദേശത്തായിരുന്നു കൂടുതൽ മീൻ പിടുത്തം. കേരള കി മഷഹൂർ സ്നേക് ബോട്ട് റേസ് മേ ഭാഗ് ലേനേ കേ ലിയെ കൈ പഞ്ചായത്തോ കി പല്ലി ഓഡം യാ നാവ് इस जल मार्ग का प्रयोग फिर से करने लगी हैं। The river Tobe River is a living example for the social commitment and dedication of the Narega workers. And also, it makes impacts to the financial, social and environmental living aspects of the whole villages. कुट्टेम पेरूर नदी के पुनर्जीवन से पता चलता है कि महात्मा गांधी नरेगा जैसी योजनाओं का लाभ कैसे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए किया जा सकता है। आज कुट्टेम पेरूर अपनी पूरी शान के साथ बह रही है। महात्मा गांधी नरेगा भारत में ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने की एक बेहतरीन योजना है। इस योजना से भारत के लोगों की क्रय शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही उनकी कार्य शक्ति का प्रयोग जनहित के कार्यों में भी किया जाता है। इसका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है उत्तर प्रदेश में जिला फतेहपुर की ससुर खदेरी नदी, जिसे महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पुनः जीवन दान मिला है। आज ये नदी जिस अवस्था में दिखाई दे रही है, पूर्व में ये इस दशा में नहीं थी। अतिक्रमण के कारण इसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया था। जब काफ़ी पहले मैं अपने बचपन में जब था तो इस नदी से हम लोगों की सिंचाई हुआ करती थी और बरसात में इस नदी का विकराल रूप हो जाया करता था। लेकिन इधर कुछ सालों में नदी की स्थिति ये हो गई कि तमाम लोगों ने नदी में अतिक्रमण कर लिया और नदी का देखभाल और रखरखाव नहीं किया गया तो नदी ये ख़त्म हो गई थी। ससुर खदेरी नदी के आसपास के गांवों में जल भराव, सूखा और जल स्तर के गिरने के साथ ही कृषि सिंचाई में भी परेशानी उत्पन्न होने लगी। इस समस्या को देखते हुए ठिठौरा झील, जो कि ससुर खदेरी नदी का उद्गम स्थल है, इसे पुनर्जीवित करने के लिए जिला स्तर पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई। 7.377 हेक्टेयर में फैली इस झील और लगभग 38 किलोमीटर लंबी नदी की मिट्टी की खुदाई का कार्य कराया जाना निश्चित हुआ। इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए महात्मा गांधी नरेगा से बेहतर कोई योजना हो ही नहीं सकती थी। तो चूंकि नदी एक झील से निकली है और मनरेगा गाइडलाइन में इसके तीन बिंदु इसमें फॉलोअप हो सकते थे, जल प्लावन, जल संरक्षण और वृक्षारोपण। तो जब देखा गाइडलाइंस में है ये योजना, तब इसको लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस परियोजना के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत
1208.30 लाख की राशि प्रदान की गई। इसे पूरा करने का लक्ष्य 70 दिन रखा गया। इसके लिए नदी के क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त खंड विकास अधिकारियों और उनके अधीनस्थ स्टाफ एवं 26 गांव जो नदी के किनारे बसे हैं, उनके प्रधानों का सहयोग लिया गया। ये काफी बड़े स्ट्रेच में था तो कई जो है हमारे डेवलपमेंट ब्लॉक उसमें आ रहे थे, तो एक तरीके से एक प्रशासनिक समस्या भी हमारे पास आ रही थी, क्योंकि एक ब्लॉक में अगर ये रहता या एक ग्राम पंचायत में सीमित रहता तो हम आराम से उसको कर लेते, लेकिन कई ब्लॉकों में एक साथ ही आ रहा था, तो सभी ब्लॉकों से समन्वय स्थापित करके इस योजना को क्रियान्वित करना। इसके अलावा जो है काश्तकारों ने इस पर जो है ग्रामीणों ने इस पर अवैध कब्जे भी कर लिए थे, तो उनको हटाने के लिए वहाँ पे राजस्व विभाग की टीम को एकत्रित करना, पैमाइश करवाना, फिर पुलिस को वहाँ पे लगाना जिससे कि किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की अप्रिय घटना न हो। तो इस प्रकार कई विभागों का कन्वर्जन और इसके अलावा फंड और लेबर का मैनेजमेंट। नदी की प्रस्तावित 38 किलोमीटर की लंबाई को एक एक किलोमीटर के 38 भागों में विभाजित किया गया। प्रत्येक भाग का प्रभारी एक एक तकनीकी सहायक को बनाया गया। इस नदी की खुदाई के चुनौतीपूर्ण कार्य ने एक अभियान का रूप ले लिया। नदी के आसपास के गांव में जन जागृति हेतु विभिन्न संस्थाओं ने जन जागरण रैलियां निकाली, गांव गांव पद यात्राएं की, लोगों से इस कार्य में सहयोग के लिए अपील की। जहां जहां से मुझे पूर्व की स्मृति के अनुसार अनुमान था कि नदी बहती थी और फिर लोगों से पूछा तो लोगों से पता चला कि नदी यहां से बहती थी, तो वहां के किनारे किनारे के गांवों में रुकना और नदी के बारे में चर्चा करना। इस तरह से एक बार मैंने नदी के दक्षिण की ओर से पूरा परिभ्रमण किया और फिर जब उधर से लौटा तो नदी के उत्तर की ओर के गांव से लेते लेते मैं वहीं ठिठौरा तक गया। ये योजना सीधे ग्रामीण जीवन से जुड़ी थी और नदी किनारे बसे ग्रामीणों के जीवन को लाभान्वित करने वाली थी। ठिठौरा झील के चारों ओर वन विभाग की सहायता से ग्रीन बेल्ट का भी निर्माण करवाया गया। नदी के किनारे किनारे पौधों की रोपाई भी की गई। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी श्रमिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आखिरकार मेहनत रंग लाई और 30 किलोमीटर लंबी इस नदी के किनारे किनारे 26 गांव बसे हैं जो ससुर खदेरी नदी के पुनर्जीवित होने से जल भराव की समस्या से मुक्त हुए हैं। इसके आसपास के किसानों की फसलों को भी भरपूर मात्रा में पानी मिलने लगा है, साथ ही जल स्तर भी बढ़ा है। प्रभाव तो काफ़ी पड़े हैं। पहली बात तो जल स्तर ऊपर आया, इसके बाद चेक डैम जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनमें सिंचाई होने का साधन बहुत बढ़िया हो गया है। पानी रुकता है और सिंचाई भी होती है, करीबन 250-300 बीघे जो उस एरिया में पड़ती है सब खेतों की सिंचाई बढ़िया फसल होती है। इस नदी के पुनर्जीवन से इसके आसपास के कई गांव डार्क जोन में जाने के खतरे से मुक्त हो गए हैं। जल एवं रोजगार दोनों ही मानव जीवन के लिए आवश्यक है। महात्मा गांधी नरेगा ने जल के स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है। एक तरफ उन्हें रोजगार प्राप्त हुआ, वहीं दूसरी तरफ जल स्रोतों के पुनर्जीवित होने से लोगों का जीवन सुखद बन रहा है। जहां महात्मा गांधी नरेगा हर हाथ को काम दिला रहा है, वहीं हर क्षेत्र में विकास और खुशहाली की एक नई लौ जला रहा है।